नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज की खबरें शुरू करते हैं और एयरलाइन से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं जो आ रही है जापान से। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत और जापान के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट पहले से साइन था और दोनों देशों के बीच में उड़ानें ऑपरेट हो रही थी। कुछ लिमिटेड ही फ्लाइटें थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पर सप्ताह में एक या दो उड़ानें जापान के लिए ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जापान से खबर आ रही है कि जापान ने भारत से फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर जापान जो है वो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के टोटल 152 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और दूसरे देश भी शामिल हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो जापान की तरफ से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि इस समय जापान में भी कुछ नए कोरोना वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं और यहाँ पर जापान को डर है कि इंडिया का वेरिएंट जो है वो जापान में ना आ जाए, जिस कारण से जापान जो है अब भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर मालदीव से आ चुकी है। आपको बता दें कि मालदीव ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले से ही बंद कर रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का मतलब है कि भारत से कोई भी घूमने के लिए मालदीव के लिए नहीं जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों से भी अब फिलहाल के लिए मालदीव की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ट्रैवलिंग को बंद कर दिया है। यानी कि फ्रेंड्स अब यहाँ पर यदि आप मालदीव में घूमने की प्लानिंग कर रहे थे तो फिलहाल के लिए अब आप नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में मालदीव में कोरोना वायरस के मामले 15 गुना ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर इजराइल से ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन, इन दो देशों में लगातार संघर्ष देखा जा रहा है। साथ ही साथ इजराइल में भी दंगे देखे गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर फ्लाइटों को लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या इजराइल में अभी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर खलीज टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इजराइल की फ़्लाइट जितनी भी यूएई से ऑपरेट हो रही थी उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी सारी की सारी फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है। यानी कि जिन लोगों को भी इजराइल दुबई के रास्ते जाना था, अब वो सभी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने भारत से सीधी उड़ानें बंद कर दी है। यानी कि यदि आपको इजराइल भारत से ट्रैवल करके जाना था तो फिलहाल के लिए इजराइल के लिए कोई भी फ़्लाइट मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर दुबई के रास्ते इजराइल ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। भारत में अब तक कुल मिलाकर 17,70,000 से भी अधिक वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है, जिनमें से 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को 4,10,000 के आसपास वैक्सीन लगी है। वहीं जिनकी उम्र 44 साल से अधिक है उनको यहां पर 17,70,000 से भी अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये जो डेटा है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इसमें रियलिटी ये है कि मई महीने में वैक्सीन जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और आम लोगों को अब वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके के माहौल इस समय भारत में है, उसको देखते हुए भारत का कोई भी पैसेंजर्स इस समय दूसरे देशों में ट्रैवलिंग करने से डर रहा है। आपको बता दें कि जो लोग भी इस समय घूमने जाना चाहते थे, दूसरे देशों में हॉलीडे के लिए जाना चाहते थे, अब उन सभी लोगों ने अपने प्लान को एक्सटेंड कर दिया है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार मालदीव ने पहले से ही अपनी ट्रैवलिंग को बंद कर दिया है, दुबई ने पहले से अपनी उड़ानों को बंद किया हुआ है, साथ ही साथ सिकल्स और भी दूसरे देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कई देश हैं जहाँ पर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, जैसे अभी भी भारत और रशिया के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है और जो लोग भी रशिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग रशिया के लिए जा सकते हैं। लेकिन ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से ऐसी जानकारी शेयर की गई है कि पिछले 10 से 15 दिनों में ट्रैवलिंग भारत में पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कोई भी पैसेंजर्स, कोई भी व्यक्ति इस समय दूसरे देशों में ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाना चाहता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर क्वांटस एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि क्वांटस एयरलाइंस कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के खोलने की डेट को 2 महीने से और एक्सटेंड कर दिया है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अभी भी क्वांटस एयरलाइंस यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस
कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय में अभी शुरू करें या फिर थोड़ा और वेट करें, जिस कारण से अभी क्वांटस एयरलाइंस अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल के लिए चालू नहीं कर रही है। लेकिन इससे क्वांटस एयरलाइंस न्यूजीलैंड की उड़ानों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वांटस की न्यूजीलैंड की उड़ानें अभी भी ऑपरेट होती रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा भी ऐसी जानकारी शेयर की गई थी कि साल 2022 के मिड तक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोलने वाली है। यानी कि आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि क्वांटस एयरलाइंस भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल के लिए चालू नहीं करने वाली है। इसमें कम से कम 2022 तक का समय अवश्य लगने वाला है। अगली अपडेट यहाँ पर यूएई से आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की गवर्नमेंट जो है अब कई सारे देशों से ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रही है जहां पर वैक्सीन लगे हुए लोग बिना किसी क्वारंटीन के ट्रैवल कर सकते हैं। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार यूएई की गवर्नमेंट ने बहरीन, सर्बिया, इसके अलावा और भी कई सारे देशों से इस तरीके का एग्रीमेंट कर लिया है, जिन देशों से यदि कोई भी पैसेंजर्स वैक्सीन की दोनों डोज लेकर यूएई में आएगा तो वो केवल यहाँ पर कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट पर ही उसको जाने दिया जाएगा। यानी कि यूएई में आने के बाद किसी भी पैसेंजर्स का क्वारंटीन नहीं किया जाएगा यदि उसको वैक्सीन लगी हुई है तो। ये खबर यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से आई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए भारत और भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ से यूएई ने अभी तक अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है। उन देशों से पैसेंजर जो हैं बिना क्वारंटीन के यूएई में ट्रैवल करके जा रहे हैं। इसके अलावा अगली अपडेट फिर दोबारा से यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आई है। बीते कल भी हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत के द्वारा चालू किया गया वंदे भारत मिशन अभी भी चालू है और टोटल यहाँ पर 84 लाख लोगों को इस वंदे भारत मिशन से मदद की जा चुकी है। इस समय वंदे भारत मिशन का 10वां फेज चालू है। यदि आप भी इस समय दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं तो एक बार आप वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों की शेड्यूल देख सकते हैं। वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों की शेड्यूल आपको वंदे भारत मिशन की वेबसाइट पर या फिर आपको एयर इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी एयर इंडिया की उड़ानें दिखेंगी जहाँ से आप और अधिक डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर यदि आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने वंदे भारत मिशन को लेकर पूरी डिटेल जानकारी दी है कि आप यहाँ पर कैसे एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से देशों से फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आपको लॉकडाउन और डोमेस्टिक फ़्लाइटों से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करना चाहेंगे। आपको बता दें कि भारत के कई सारे राज्यों में इस समय लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसके बाद बहुत सारे एयरपोर्ट से कई सारी उड़ानें कैंसिल हो रही है। अकेले यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में 100 से भी अधिक उड़ानों को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा इसी तरीके की फ़्लाइट कैंसिलेशन भारत के दूसरे राज्यों के एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके के लॉकडाउन के नियम लागू कर दिए गए हैं उसमें अब कोई भी पैसेंजर जो है ट्रैवलिंग करना नहीं चाहता है और रोज़ाना बेसिस पर फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग यूएई को लेकर जानकारी मांग रहे थे कि यूएई के लिए उड़ानें कब से चालू होंगी, तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए यूएई के लिए अभी तक फ़्लाइटें चालू नहीं हो पा रही है। जो लोग भी यूएई या फिर मिडल ईस्ट के कोई भी कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं वो यहाँ पर उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया, इन 2 देशों से ट्रैवल करके जा रहे हैं। यदि आप भी इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, सऊदी के लिए जाना चाहते हैं, तो आप एक बार उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया के बारे में डिटेल जानकारी अपने ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं कि वहां का फ़्लाइट कॉस्ट क्या है, ट्रैवलिंग के रूल्स क्या हैं, आप उनसे और डिटेल जानकारी पूछ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस समय हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो 1 महीने बाद ही आप अपने ट्रैवलिंग की प्लानिंग करें, थोड़े समय रुक के ही आप यूएई और मिडल ईस्ट कंट्री में जाएं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए आपको एयरलाइंस और ट्रैवल की न्यूज़ में इतनी ही जानकारी शेयर करनी थी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।